हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने किले मौत, हादसे और अतीत और रूह का एक अपना ही संबंध होता है। ऐसी कई जगह है जहां पर मौत का साया बनकर रूहें आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं आज आपके लिए एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस किले का नाम है भांगड़ किला। यह किला दिल्ली से 235 किलोमीटर दूर मौजूद है। यह किला 16वीं शताब्दी में अजमेर के राजा भगवंत दास के द्वारा सन 1573 में बनवाया गया था। बाद में भगवंत दास की मौत के बाद इस किले का राजा मान सिंह के छोटे भाई मोधा सिंह को सन 1613 में राजा बनाया गया था। बताया जाता है कि सूर्योदय के पश्चात अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इस किले में चला जाए तो उसका बचकर निकल आना नामुमकिन सा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ प्रवेश करने से लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है? वहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि अक्सर रात के समय रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और कई बार तो साय भी देखने को मिलता है। यह आवाज़ कभी कदार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग रात में सो भी नहीं पाते। मतलब अजीब है ना? आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।